स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला में। मैं हेमराज गुप्ता। आज हम लोग नाव धारा का चैप्टर का पार्ट टू देखेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट वन बनाया था, जिसमें मैंने नाव धारा से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी मैंने उसमें बताया था। तो इस वीडियो को पूर्णतः अच्छी तरह से समझने के लिए वो वीडियो आपको देखना चाहिए। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, तभी ये बढ़िया से आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि नाव धारा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर एक है होगा, जिसमें हम लोग टाइप वन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप वन में मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है पहला, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो दिया गया है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी कि यहाँ जो वेलोसिटी है ये डाउन में है या अप में है ये समझना है। तो धारा के विपरीत की बात जब हो रही है तो यहाँ जो चाल होगा वो धारा का और नाव का दोनों माइनस में होना चाहिए, यानी कि ये अप में है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं भी और अप, यानी कि जो वेलोसिटी है यहाँ किसमें है, अप में है। यानी हम अभी चाल की बात कर रहे हैं। ये धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर क्वेश्चन को हम समझे तो मैंने यहाँ भी अप लिखा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो धारा के विपरीत दिशा में अगर हम लोग चाल निकालेंगे तो हम पहले से भी जानते हैं कि चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा दूरी दिया हुआ है, जो दूरी है वो हमारा कितना है, 12 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय के अनुसार अगर हम दूरी लिखेंगे तो यह हमारा कितना होगा, दूरी 12 किलोमीटर, ठीक है। अब हम समय की बात कर लेते हैं। तो समय की बात जब करते हैं तो समय हमारा है कितना, 48 मिनट। लेकिन अब यहाँ ये ध्यान देना होगा आपको कि जब दूरी आप किलोमीटर में रख रहे हैं तो समय तो मिनट में नहीं रख सकते हैं। तो आप 48, 48 तो लिखिए, लेकिन इस मिनट को किस में बदलिएगा, घंटा में बदलिएगा। यानी कि हम यहाँ 60 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। तो 12 ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसको हमको पलटना पड़ेगा, यानी ऊपर 60 होगा और नीचे 48 होगा। अब इसको कटाएंगे तो 12 से ये 4 बार में और 4 से ये 15 बार में, यानी कि हमारा जो यहाँ स्पीड आया ये आया हमारा कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिए फिर से एक बार, ये जो हमारा चाल है वो धारा के विपरीत है। धारा के विपरीत जो नाव का चाल हम लोग निकाले हैं वो 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें भी दो चीजें होती हैं, ध्यान देना है फिर। इसमें भी दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं जी? तो आपने पहले ही पहले क्लास में पढ़ा था कि जब धारा के हम लोग विपरीत चलते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले नाव का चाल रखते हैं और फिर धारा का चाल रखते हैं, ठीक है। तो नाव का चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट, और अप में है तो माइनस होगा कि प्लस होगा, विपरीत पढ़िए, देखिए देखिए विपरीत। तो विपरीत में क्या होगा, विपरीत में क्या होता है, माइनस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये पहले मैंने नाव का चाल रखा, पहले तो नाव का चाल ही रखना है, फिर भी और एस लिखेंगे, यानी ये क्या हो गया, धारा का चाल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये धारा के विपरीत जो चाल दिया है इसका वैल्यू 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब यहां देखते हैं हमारा क्या है, आगे जो दिया हुआ है धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की गति मतलब क्या, ये तो नाव की गति है और ये धारा की गति है। तो यहाँ तो वीवी का मान है, तो वीवी का मान क्या है, छोड़ देंगे जेम कहते हैं, ये तो पूछा गया है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ बोट पूछा गया है और जिसमें धारा का चाल दिया गया है आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। देखिए दिया है 2 किलोमीटर
पर आवर यहाँ लिख देंगे दो। तो यहाँ अगर हम वीवी का मान निकाल देंगे तो अब समझिए क्या करना होगा जी, ये क्या करना है, बराबर में है तो जब इधर माइनस में है तो उधर किस में जाने वाला है, प्लस में, ठीक है। तो 15 और 2 ये कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा जो यहाँ चाल निकला वो किसका चाल निकला है, केवल और केवल नाव का चाल निकला है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है शांत जल में नाव का चाल। तो बताइए शांत जल में नाव का चाल किस ऑप्शन में है, 17 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से अगर हल करना चाहें, अगर हम बेसिक हल करना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, हालांकि ये भी ठीक है। अगर देखें फॉर्मूला के, यानी जो हम लोग फॉर्मूला पहले भी लिखे थे, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय आखिर वो लिखेंगे, उसका भी तो यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो उसका प्रयोग से अगर हम क्वेश्चन उसके प्रयोग से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले मिटाते हैं। तो क्या होता है जी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी यानी डी दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल तो समझते हैं स्पीड लिख देते हैं, अगुना टाइम क्या होता है टी लिख देते हैं, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुने समय यानी डी डिस्टेंस है, और एस हमारा हो गया क्या स्पीड, और टी क्या हो गया टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो चलिए तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो ढूंढिए दूरी कहाँ है क्वेश्चन में, ढूंढिए और लिखिए वहां से। तो यहाँ आप देखिएगा कि दूरी की जगह हमारा जो दिया गया है डिस्टेंस से 12 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ सीधा और सीधा हम क्या लिख सकते हैं 12 किलोमीटर। अब ये ध्यान देना है कि किलोमीटर में जब दूरी रखे हैं तो समय घंटा में ही रखना है ना, मिनट में रखेंगे क्या, नहीं घंटा में रखेंगे, क्योंकि दूरी किलोमीटर में रखे हैं, और स्पीड भी देखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप देखिए क्वेश्चन को अगर पढ़िए तो धारा की गति, देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं दूसरे ढंग से, ठीक है, यानी कि दूसरे तरीके से बना रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ एस की बात करें, चाल की बात करें, तो विपरीत की बात हो रही है जी, तो विपरीत की बात होगी तो क्या करते हैं, चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, चाल को घटाते हैं, तो चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चाल में भी दो चाल होगा ना, एक नाव का होगा और एक धारा का होगा। तो चलिए नाव का चाल तो दिया नहीं है, नाव का चाल निकालना है, तो नाव का चाल जब दिया नहीं है तो लिख देते हैं इसका वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। और माइनस क्यों लगाना है समझ रहे हैं ना, क्योंकि विपरीत, और यहाँ देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का दिया हुआ है ऑलरेडी। समय की बात कर लेते हैं 48 मिनट, तो मिनट में तो नहीं रखिएगा, यहाँ भी भाग देना पड़ेगा किससे, 60 से, यानी 48 बटा क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए ऊपर ऊपर अगर इक्वल टू में होगा तो ऊपर ऊपर हम कटा सकते हैं, यानी कि ये कटा सकते हैं 12 से 4 बार में, 12 × 48, ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना है, 4 से कटाएंगे ये 15 बार में, तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीपल होता है, क्या होता है क्रॉस, कैची गुना बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीपल, तो 15 में 1 से गुना करिएगा तो 15 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो गया बोट का चाल माइनस 2, इधर तक कुछ बचा उचा है नहीं, कट गया है, तो वीवी बराबर, अब इधर 15 तो लिखे हुए हैं माइनस में है जी, अब उधर जाएगा बराबर के उस साइड तो प्लस में होगा ना, तो क्या होगा 17 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दूसरे ढंग से मैंने दूरी का प्रयोग किया, फॉर्मूला का, दूरी बराबर चाल गुने समय, और उससे भी इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किया, बना लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर से पढ़िएगा, हाँ, और ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन ये नहीं है कि ये नहीं आएगा और वो आएगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होता है वो सब इक्वल होते हैं, आप बता नहीं सकते हैं कि कौन एग्जाम में पूछा जाएगा और कौन नहीं पूछा जाएगा, तो सबको बराबर देखना है, यानी कि ये इजी है तो इसको चलिए हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा टफ देखेंगे, तो सबको बराबर महत्व देना है, एग्जाम में ऐसा थोड़े होता है कि एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, तो सब क्वेश्चन को आप लोग इक्वल ढंग से देखिए, या वो बड़ा क्वेश्चन हो या वो छोटा क्वेश्चन हो, अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, बड़ा से बड़ा की ओर, यानी छोटा देखते देखते फिर आगे देखेंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसको गौर से समझिएगा, इसके पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टाइप 1, यानी टाइप 1 समझ रहे हैं क्या,
टाइप वन मतलब कि क्वेश्चन का जो ढंग है वो पहला ढंग क्या है, पूछने का पहला ढंग क्या है, यानी कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब डाटा की बात करते हैं तो ये तो डाटा मिलेगा नहीं, कुछ हो सकता है, लेकिन ढंग क्या है, तरीका क्या क्या हो सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग टाइप करके पूछ रहे हैं, टाइप करके बता रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप वन में ही है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा, सेकेंड क्वेश्चन टाइप वन का, देखिए करें कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। गौर करेंगे इसमें धारा का चाल है नहीं ना, इसमें क्या है, केवल और केवल शांत जल में चाल पूछा है, ठीक है। तो शांत जल में चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो केवल ये नाव का चाल है। आगे बढ़ते हैं, यदि धारा के अनुकूल, अब यहाँ क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझिए, एक ही बार अगर हम पढ़ दें तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ, क्वेश्चन का स्टेप समझना होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन पढ़ने से एक बार पूरा कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग दिमाग में ये हमको बैठा लिए हैं कि 45 किलोमीटर मिला केवल और केवल नाव का चाल दिया है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी, धारा के अनुकूल, तो अभी भी समझना है कि अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल यानी धारा की दिशा में, प्रतिकूल कहता है तो धारा के विपरीत दिशा में, और धारा के अनुकूल दे रहा है कि 80 किलोमीटर की दूरी। गौर करेंगे यानी कि फिर हमको दूरी मिल गया और हमको नाव का चाल मिल गया और क्या मिल गया, दूरी मिल गया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट समय लेती है। समझिए, समय भी मिल गया, दूरी भी मिल गया और चाल मिला, लेकिन चाल किसका मिला, धारा का मिला नहीं, ये किसका मिला, नाव का। अनुकूल को ध्यान देना है, अनुकूल मतलब क्या, धारा के दिशा में, यानी कि यहां जब चाल लिखेंगे तो जोड़ कर ही लिखेंगे ना, ठीक है। तो समय मिल गया, आगे बढ़ते हैं, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में। अब देखिए दिया क्या, धारा के अनुकूल जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, सारी बातें की गई है धारा के अनुकूल के बारे में, लेकिन पूछा क्या गया है धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी तय करने में कितना समय लगी। ये दिया गया, बताया गया धारा के अनुकूल और पूछा गया धारा के विपरीत। तो सबसे पहले हम समझिए कि धारा का चाल मिला आपको, ठीक है, दूरी मिला आपको, समय मिला आपको, धारा का नहीं नाव का मिला, ठीक है। तो हम धारा का चाल निकाल सकते हैं, तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं, डी बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय यानी स्पीड गुना टी। अब दूरी कुल कितना है आप देख लीजिए, कितना है जी, 80 किलोमीटर, ठीक है। अब चाल ध्यान देंगे यहीं पे ध्यान देंगे, चाल जोड़ के लिखेंगे कि घटा के, बोलिए जोड़ के लिखेंगे कि घटा के, अनुकूल यानी कि दिशा में, तो जोड़ के ना लिखेंगे, तो अब जोड़ के लिखेंगे तो अभी देखना है कि किसका किसका चाल दिया है, तो केवल इसमें नाव का चाल दिया है, नाव का चाल कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिख देंगे 45। पहले तो नाव का लिखा जाता है ना, तो पहले मैंने क्या लिखा, 45 लिखा। अब यहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अनुकूल है, और यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, या आप चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी कि Vs लिख देते हैं, क्या हो गया आपका धारा का चाल, और गुना टी समय ढूंढते हैं, समय ढूंढते हैं 1 घंटा 20 मिनट। ये देखिए ना, 1 घंटा 20 मिनट, 1 मिनट में है और 1 घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देते हैं और लिख देते हैं 20/60। समझ रहे क्या, ये यहाँ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ समझिए, देखिए 1 घंटा 20 मिनट, तो अगर मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा करना है, घंटा है छोड़ दिए ऐसे ही इसको, ये 20 से 1 बार में और 20 60 हुए, इसको हल करिएगा 4 3 1 3 और ये 4/3 यानी कहेंगे 4/3, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, ऊपर ऊपर कटाना तो जानते हैं, 4 × 2 = 8 = 20, फिर कैची गुना कर देते हैं इसको, तो 45 + VS = 20 क्या हो गया जी 60। तो यहाँ तो धारा का चाल निकल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका निकाले, धारा का। तो धारा का तो चाल पूछा नहीं है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नाव का चाल डायरेक्ट पूछा था, लेकिन यहाँ धारा का चाल डायरेक्ट नहीं पूछा है, गौर करेंगे, फिर पूछा क्या है, पूछा है कि उतना ही दूरी विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी, यानी कि आपसे पूछा गया है टी टाइम और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो उतना ही दूरी मतलब कितना दूरी, 80 किलोमीटर। और अब देखिए चलना कैसे है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल को क्या करके रखेंगे,
जोड़ के कि घटा के, विपरीत तो घटा करके। तो अब देखिए इसमें नाव का चाल आपको 45 है और धारा का आप तो निकाल दिए 15, तो घटा के लिखिएगा तो कितना होगा ये बताइए, 45 15 30। इसको हल करेंगे, 3 में 8 से भाग देंगे, 3 दूना 6 होगा, यानी 2 पूर्णांक 2 बाई 3 घंटा। तो आप अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो पहला ऑप्शन में है 2 घंटा 40 मिनट, ऐसे नहीं दिया है, घंटा और मिनट में दिया है, और दूसरा ऑप्शन है 2 घंटा 10 मिनट, तीसरा है 3 घंटा 15 मिनट, और डी में है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आप तो 2 घंटा देख रहे हैं, तो 2 घंटा तो चलिए हम लिख देते हैं, लेकिन इस घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करा दीजिए, तो ये कितना मिनट हो गया, 2 घंटा, और ये क्या हो गया, 20 दूना के 40 मिनट। तो कहीं ऑप्शन में है, ढूंढिए इसको, 2 घंटा 40 मिनट ढूंढ के लिखना है, 2 घंटा 40 मिनट, तो ऑप्शन ए है 2 घंटा 40 मिनट आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अब बात टू में, तो टाइप टू में मेरा थर्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, टाइप टू में मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध नाव खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, व्यक्ति का स्थिर जल में नाव खेने की दर क्या है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि नदी में प्रवाह का दर, मतलब ये हुआ कि नदी में प्रवाह का दर मतलब कि ये क्या धारा का चाल है, और धारा का चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इतना ही दिमाग में रखिए, धारा का चाल कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या कर रहा है कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो अब 3 गुना समय लगता है, ये हम यही समझ लेते हैं कि 3 गुना समय लगेगा कब, जब हम धारा के दिशा में चलेंगे या धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, मेरा 3 गुना समय कब लगेगा बोलिए। तो मेरा 3 गुना समय तब लगेगा जब हम धारा के कैसे विपरीत दिशा में चलेंगे, तो मेरा समय क्या हो जाएगा 3 गुना लगेगा। ठीक है, तो अब यहां समझना यह है कि अगर हम धारा के दिशा में जाते हैं या धारा के दिशा में आते हैं, ये दोनों कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो दूरी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप जानते हैं क्या कि दूरी जो होती है वो दो चीजों के लिए होती है, क्या क्या होते हैं इसमें, दूरी इज इक्वल टू होता है दूरी बराबर चाल गुने समय, और यहां लिख सकते हैं चाल गुने समय। ठीक है, तो अब यहां समझिए दूरी बराबर चाल गुने समय। तो अगर हम समय की बात कर लें तो एक बार मेरा क्या होगा अप में होगा और एक बार मेरा क्या होगा डाउन में, तो यहां लिख सकते हैं क्या वी डी, और यहां लिख देते हैं वी अप। ठीक है, यानी कि एक बार हमारा डाउन में और एक बार हमारा अप में। समय की बात करते हैं तो समय 3 गुना कहां लगेगा, 3 गुना इसमें लगेगा या इसमें लगेगा, समझना है, डाउन में 3 गुना लगेगा या अप में 3 गुना लगेगा। डाउन में तो जल्दी पहुंचेंगे, इसमें समय कम लगेगा, अप में ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जब 3 लिख दिए तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 तो 1 तिगुना हो गया। चाल की बात कर लेते हैं, ठीक है, दूरी इक्वल टू है यानी बीच में क्या लिख देंगे बराबर, चाल की बात करते हैं तो एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, जिसमें हमारा दिया हुआ है किसका चाल, इसमें दिया हुआ है धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव का तो मानेंगे ना, तो चलिए भी भी लिख देते हैं बोट नाव के लिए, और यहाँ प्लस डाउन में प्लस, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं भी भी माइनस 2। ठीक है, हल कर देते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा भी भी प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 3 भी भी माइनस 3 दुना कितना होगा 6 होगा, ये 3 भी भी में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 भी भी, और ये होगा 6, और 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, समझिए कैलकुलेशन, ये इधर आएगा तो घटेगा और इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, 2 से कटा देंगे तो हमारा सीधा यहाँ चाल मिल गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसका चाल निकाले हैं हम, किसका चाल निकाले हैं बताइए, ये चाल निकाले हैं नाव का चाल, धारा का चाल दिया था, यहाँ भी 2 लिखें, यहाँ भी 2 लिखें, समय 3 गुना लगा था, इसमें 1 लिखें, इसमें 3 क्यों लिखें, क्योंकि ये धारा के विपरीत है और ये धारा के दिशा में कम समय लगेगा, 1 माना मैंने, 3 गुना दिया, 3 लिखा मैंने, और चाल ये दूरी बराबर चाल गुने समय, और मेरा आंसर आएगा इसमें क्या 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी टाइप में एक अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट यही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इसमें अंतर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चौथा देखते हैं इसका क्वेश्चन, इसको नहीं मिटाते हैं, चौथा क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसको देखिए चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने के तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में दुगुना समय लेती है। फिर आ गया वही बात कि धारा के प्रतिकूल चलती है तो उसे दुगुना समय लगता है, धारा के अनुकूल लगेगा ही। तो किस कहां दुगुना लिखेंगे, यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे, दुगुना कहां लिखेंगे, दुगुना समय कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां दो लगेगा समय तो यहां हमारा समय क्या लगेगा, एक। अब यहां गड़बड़ ये है कि ना नाव का चाल दिया है ना ही धारा का चाल दिया है, तो ना नाव का चाल दिया है और ना धारा का दिया है, तो दोनों तो आपको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, या तो वीवी और वीएस लिखिए या एक्स वाई लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, ये नाव का और ये धारा का, यहाँ x प्लस वाई तो यहाँ का लिखेंगे x माइनस वाई, तो वह हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y, ये 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा x, और इधर आएगा तो ये जुट जाएगा ना, तो ये कितना y 3y, तो यहाँ इसका रेशियो पूछा गया है, x बटे y का रेशियो पूछा गया, यानी कि पहले नाव का बताओ और फिर धारा का बताओ। तो x यहाँ एक छिपा हुआ है तो यहाँ एक नहीं लिखेंगे, यहाँ तक लिखते हैं y तो नीचे आएगा तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का एक, यानी कि 3:1, ये हमारा इसका आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन समझ लीजिएगा, ठीक है, x एक से गुना करेंगे तो वही होगा, ये 2x हो गया, 2y हो गया माइनस में, ये 2x में से x गया तो x बचा और ये 3y हो गया, x बटे y का वैल्यू निकालना था, नाव का चाल और धारा का चाल का रेशियो पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो गया 3:1, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, टाइप 3 को थोड़ा समझिएगा। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में क्या कह रहा है, चलिए समझा जाए, इसको देखा जाए टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है। इसमें मेरा टाइप 3 का क्वेश्चन होगा जो कि पांचवा क्वेश्चन होगा ना, टाइप 1 से लेते हुए ये पांचवा क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्लियर है, धारा का वेग कितना है, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा नाव का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए यहाँ दोनों मिल गया, नाव का भी वेग मिल गया और धारा का भी वेग मिल गया, ठीक है, नाव का और धारा का। धारा के दिशा में उस पार जाती है तथा पुनः वापिस आती है, समझिए 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 इसको क्या कह रहा है जी, कह रहे कि धारा के दिशा में उस पार जाती है, किस पार नदी के उस पार जाती है, ठीक है, तो उस पार जाती है तो यहाँ से यहाँ आएगी, और फिर क्या कह रहा है कि फिर पुनः वापिस आती है, तो पुनः वापिस जब आएगी तो वापिस आने के लिए फिर यहाँ तक आएगी, या अब समझिए यहाँ पे कि जब आप यहाँ से नदी के उस पार गए और नदी के इस पार आए तो दोनों कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा दूरी है, क्या अलग अलग होगा, नदी के उस पार नदी के इस पार वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि यहाँ जो डिस्टेंस है आते जाते वो दोनों कंडीशन में क्या है, इक्वल है, बराबर है, समझिएगा बात, यानी कि डिस्टेंस क्लियर है हमारा कि इक्वल है, और नाव का भी चाल हमको मालूम है, धारा का भी चाल हमको मालूम है, समय भी दिया है ना 12 घंटा, ये समय कितना 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 12 घंटा। अब क्या बताइए, समय क्या केवल आने का है और समय क्या केवल जाने का है, नहीं, समय आने का भी है और समय जाने का भी है, यानी आने में भी और जाने में भी, ये समय किसके लिए है जी, दोनों के लिए, आने का भी समय है और जाने का भी समय है, और समय हमारा जो लगा 12 घंटा लगा, ठीक है। तो अब यहाँ समझना है कि समय बराबर हम लिख सकते हैं दूरी बटा चाल, समय के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूरी बटा चाल। तो अब आने जाने की बात हुई, आप तो समझ गए हैं कि आइएगा भी तो डी, ठीक है, और जाइएगा भी तो डी, आने में भी डी और जाने में भी डी, दोनों कंडीशन में हमारा जो दूरी होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा। लेकिन अब समझिए, चाल जो लिखेंगे, अगर एक बार आप धारा के साथ जाइएगा तो उधर से आते वक्त आप धारा के विपरीत आइएगा, अगर आप धारा के विपरीत जाइएगा तो आते वक्त धारा के साथ आइएगा। डेट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक बार चाल जोड़ेंगे और एक बार चाल घटाएंगे, चाल तो अवेलेबल है इसमें दिया हुआ है, तो एक बार चाल जोड़ के देखते हैं, तो 6 1 क्या हो गया हमारा,
सात हो गया, और एक बार घटा के देखते हैं, छह में से एक घटेगा तो क्या हो गया, पांच। अब किए, ये तो समय है ना, तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, इसको भी समय बना दिए और इसको भी समय बना दिए, दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा ये क्या 12 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि आने में लगा समय और जाने में लगा समय, यहाँ हमारा कितना समय इक्वल टू है, 12 के बराबर है। एलसीएम निकाल देते हैं, 35 सात पांच 35 और पांच सात 35 बराबर 12, ये हो गया हमारा 12d/35 इक्वल टू 12 12 कट गया ना जी। तो कितना इजी है ये, कितना टाइम लग रहा है बनाने में, इतना हम लिख रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं लिख रहे हैं, अगर आप सीधा सीधा आप दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं, तो कोई लिखने की झंझट इसमें या इसमें कोई लिखना नहीं है, सीधा सीधा आप सीधा इसके क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हुआ टाइप 3 का, ठीक है।